चलिए आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलते हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास बाइफिनाइल्स और एलीन जैसे कंपाउंड हो, बाइफिनाइल्स और एलीन, तो वो लोग कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, इवन उनके पास चिराल कार्बन नहीं होता तब भी। चिराल कार्बन का कॉन्सेप्ट क्या था, उसके पास चार ग्रुप होने चाहिए और चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए, अलग अलग। लेकिन एलीन और बाइफिनाइल्स में ऐसा होता है कि चार ग्रुप ही नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो कैसे हम लोग देखें उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइफिनाइल्स के बारे में। किसके बारे में? बाइफिनाइल्स। ये क्या चीज है? दो दो रिंग अगर पास में लगी हो बेंजीन रिंग के, उन्हीं को बोल देते हैं बाइफिनाइल्स। दो बेंजीन रिंग, अच्छा हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग में सारे के सारे हर एक कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा अगर तुम एक रिंग के रिस्पेक्ट में दूसरे में जाके देखोगे तो एक रिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये दोनों इसी कार्बन के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे, उसमें ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे। अब होता क्या है कि अगर दोनों ही रिंग है प्लेनर, अगर दोनों ही रिंग प्लेनर है एक ही प्लेन में, ये रियल में पूरा का पूरा एक ही प्लेन में रहता है, तो अगर हम चलो बाइफिनाइल सिक्योर बना देते हैं, यहां पे लगा देंगे एच और एच, एच और एच, पूरा का पूरा जो सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन है सारे के सारे इसी बोर्ड के प्लेन पर रहते हैं, मतलब मॉलिक्यूल पूरा का पूरा प्लेनर है। अगर ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है तो एक सिमेट्री हो जाता है जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन के अबाउट जब हम प्लेन को रफ करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, ना तो ऊपर कुछ बचेगा ना ही नीचे कुछ बचेगा, तो इसके अबाउट, इस प्लेन के अबाउट एक सिमेट्री है। तो अगर केवल बाइफिनाइल से पूछा गया क्या तो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो नहीं ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर हम बाइफिनाइल्स में जो ये ऑर्थो पोजीशन वाले HH दिख रहे हैं ना, अगर हम इनको रिप्लेस करने लगे और इनकी जगह पे बड़े बड़े ग्रुप ला के रख दें, जैसे अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन ला के रख दें, आयोडीन ला के रख दें, तो बड़े ग्रुप क्या करेंगे, अभी तो HH था, लेकिन अगर हम बड़े साइज का ग्रुप यहाँ पे ला के रख देंगे, बड़े बड़े साइज का ग्रुप, तो उससे होगा क्या, ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे। और रिपल्सन से बचने के लिए क्या करना है, अगर हम जैसे यहाँ पे लगा दें एक तरफ हम लगा दें ब्रोमीन जिसका साइज बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ लगा दें आयोडीन, यहां पर भी ब्रोमीन, यहां पर भी आयोडीन। अब होगा क्या देखना, ये ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा है, इस ज्यादा साइज होने की वजह से क्या हो जाता है, ये एक दूसरे को रिपल्सन देते हैं, और रिपल्सन देंगे तो ये चाहेंगे कि इतना रिपल्सन ना हो, नहीं तो पूरा का पूरा कंपाउंड बहुत अनस्टेबल रहेगा। तो रिपल्सन से बचने के लिए होता क्या है, एक रिंग तो इसी बोर्ड में ही रह जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो रिंग है जिसको बोर्ड में होना चाहिए था लेकिन वो बोर्ड में ना होकर के उस बोर्ड के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाले बॉन्ड के ऐसे चला जाता है, इस बोर्ड में नहीं रहता, ऐसे ये आयोडीन बाहर की तरफ निकलता चला आता है और ये आयोडीन अंदर की तरफ चला जाएगा क्योंकि वो रिंग प्लेन में ही नहीं रहता, वो ऐसे। अच्छा ऐसा होगा क्यों, क्या बाइफिनाइल्स खुशी खुशी चाहते हैं कि वो ऐसा हो जाए, नहीं, बाइफिनाइल्स ऐसे वो रहना चाहते हैं प्लेनर, लेकिन अगर उनके ग्रुप्स आपस में रिपल्सन करेंगे तो अपने ही रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो प्लेनर नहीं रहते, एक रिंग उस प्लेन से ही हट जाता है और मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होने लगता है। जैसे अगर केवल ये पूछा जाए ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो बोलते हैं हाँ ये नॉन प्लेनर है, इसकी वजह से ब्रोमीन और आयोडीन के रिपल्सन की वजह से। अच्छा एक ब्रोमीन एक एच होता तो, एक ब्रोमीन एक एच तो, तब फिर नहीं होता ऐसा क्योंकि सामने H है, H की वजह से तो ज्यादा रिपल्सन ही नहीं मिलता, लेकिन अभी दोनों ही बड़े बड़े साइज के थे तो यहाँ पे रिपल्सन हो गया। अब ध्यान दिया जाए ये आयोडीन कहाँ है, इस प्लेन के ऊपर, ये आयोडीन कहाँ होगा, प्लेन के नीचे। अगर हम एक आयोडीन को मान लेते हैं कि प्लेन के ऊपर है, एक आयोडीन प्लेन के नीचे, तो क्या यहाँ अभी सिमेट्री है, अगर हम पूरे बोर्ड से कट कर दें, बोर्ड से अगर हमने कट कर दिया तो एक आयोडीन ऊपर मिलेगा, वैसे ही एक आयोडीन नीचे मिल जाएगा, जैसे ही आयोडीन ऊपर है वैसे ही एक आयोडीन नीचे है, तो क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, सेम सेम सेम, जैसे आयोडीन ऊपर मिल रहा है वैसे आयोडीन नीचे, तो इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसी बोर्ड के प्लेन के अबाउट। पहले बोर्ड के प्लेन के अबाउट करते थे तो ऊपर और नीचे कुछ मिलता ही नहीं था, अभी जब हम लोग बोर्ड के अबाउट कट करेंगे, इस बोर्ड के प्लेन से कट करेंगे तो हमें ऊपर भी आयोडीन और नीचे भी आयोडीन मिलेगा और सिमेट्री हो जाएगा। तो कोई पूछे ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बोलते हैं नहीं ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा क्यों, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि इसके पास सिमेट्री है, अगर मॉलिक्यूल के पास सिमेट्री होगा तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए। अच्छा लेकिन अगर हम ऐसा करते ध्यान से देखा जाए,
अगर हम ऐसा करते आयोडीन के सामने रख देते आयोडीन यहाँ और ब्रोमीन के सामने रख देते ब्रोमीन, अभी भी ये दोनों बड़े बड़े साइज के ग्रुप्स हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन, क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल्सन, तो इस दोनों ही रिंग को एक दूसरे के साथ इसी बोर्ड के प्लेन में रखने देंगे क्या? नहीं, दोनों ही रिंग इसी बोर्ड के प्लेन में नहीं रहने वाली। रीजन क्या होगा? इन दोनों ग्रुप्स का आपस में रिपल्सन। तो फिर ये रिंग जो होगा, अगर ये रिंग बोर्ड के प्लेन में है तो वो रिंग बोर्ड के प्लेन में ना होकर के वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। एक आयोडीन ये ऊपर बाहर की तरफ निकल रहा होगा तो ये वाला ब्रोमीन अंदर की तरफ जा रहा होगा, ऐसा होगा क्या? अब देखना, अब यहां पे सिमेट्री ढूंढना चाहे, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, बोलेंगे हाँ नॉन प्लेनर है, और रीजन क्या होगा नॉन प्लेनर होने का? ऑर्थो पोजीशन वाले जो ये ग्रुप्स हैं आयोडीन आयोडीन और ब्रोमीन ब्रोमीन, इनका साइज ज्यादा है और साइज ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल्सन। और इसी रिपल्सन की वजह से ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है तो एक चीज तो पक्का है कि अगर तुमने नॉर्मली सोचा कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेन है तो वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल एक प्लेन में तो है ही, तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है एक, तो ये अच्छे से क्वेश्चन से पूछा भी जा सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। अब अगर हम बात करें सिमेट्री की, कि अगर हम इस प्लेन से कट करेंगे तो सिमेट्री मिलेगा क्या? अगर हम प्लेन से कट करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा? आयोडीन, नीचे क्या मिलेगा? ब्रोमीन, तो क्या वो सिमेट्री हुआ? नहीं, ऊपर तो आयोडीन मिला है, नीचे मिला है ब्रोमीन, तो वो सिमेट्री नहीं है। अच्छा, अगर हम ऐसे कट कर देते ऐसे, उसके प्लेन के अबाउट, वो तो इस प्लेन के अबाउट, वो तो इस प्लेन में नहीं है, वो तो प्लेन के ऊपर है, अगर हम उसके अबाउट कट करते तो क्या होता? उसके अबाउट कट करते तब भी यहां पर क्या होता? इस बोर्ड में दिखता हमें ऊपर आयोडीन नीचे ब्रोमीन, तब भी सिमेट्री नहीं होता। तो ये ऐसा कंपाउंड हो गया जो नॉन प्लेनर है, और इसमें सिमेट्री ढूंढना मुश्किल है, बहुत टफ है, यहां सिमेट्री है ही नहीं, और सिमेट्री है ही नहीं एक्चुअली में यहाँ पे। तो अगर सिमेट्री नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। यही चीज हमें ध्यान रखना है, सिमेट्री ना होने के वजह से भले इसके पास कोई चिराग कार्बन नहीं है, किसी भी कार्बन के पास चार ग्रुप ही नहीं लगे, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव किसकी वजह से? क्योंकि इसके पास कोई सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, बस ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव केसेस में हम इसकी लड़ाई नहीं कर सकते, किसकी, कि बताओ ये आर कॉन्फ़िगरेशन का है या एस कॉन्फ़िगरेशन का है, वो अपने को ध्यान ही नहीं रखना है। बस पहले तो हम इतना खोज सकें कि बिना चिराल कार्बन के भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, बस उसके पास कोई सिमेट्री ना हो, इसके पास कोई सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर हम ऐसा कर देते इधर आयोडीन उधर आयोडीन और इधर ब्रोमीन, तब क्या होता? नॉन प्लेनर तो तब भी रहेगा, लेकिन जब तुम बोर्ड से कट करोगे तो ऊपर आयोडीन नीचे ब्रोमीन, तब तो सिमेट्री नहीं लगेगा। लेकिन जब हम उसके प्लेन के अबाउट कट करें, वो तो प्लेन के बाहर है ना, अगर हम उसके अबाउट कट करेंगे तो क्या होगा? इधर आयोडीन दिखेगा, नीचे आयोडीन, और सेम सेम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? फिर सिमेट्री मिल जाएगा उसके पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फिर ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? क्योंकि इसके पास सिमेट्री मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर हमारे पास बाइफिनाइल्स हो और उनके पास एक रिंग में लगी हुई ये दोनों ग्रुप अलग हो जाए, ये दोनों ग्रुप अलग हो जाए, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, बशर्ते इन दोनों ग्रुप्स का साइज बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल प्लेन में ना रहे, नॉन प्लेनर हो जाए, तब ये मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अगर तुमने एक तरफ एच एक तरफ बी आर लगा दिया, जैसे यहां एच तो वो दिखाएगा भी नहीं, एच बी आर और आई एच ऐसे लिख दिया, अब ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा क्योंकि ये दोनों में ज्यादा रिपल्सन नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर। और अगर प्लेनर होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, प्लेन कट करोगे ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं, जिसको कट करते हैं उसको भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर हमने बोला प्लेन के अबाउट कट करो तो जो जो प्लेन में है सबको साफ कर दो, सब गए, तो प्लेन के ऊपर कुछ नहीं प्लेन के नीचे कुछ नहीं, तो सिमेट्री हो जाएगा, प्लेनर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती। अब यहां पर ये मॉलिक्यूल प्लेनर ही हो गया, क्यों? क्योंकि रिपल्सन ही नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे, बाइफिनाइल्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, बस उनके पास कुछ स्पेशल कंडीशन हो जो हमें ध्यान रखना है, एक तो वो नॉन प्लेनर हो जाए, और उसके बाद जब हम सिमेट्री ढूंढने जाएं एक दूसरे के रिंग के अबाउट तो सिमेट्री ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। चलो, तो बाइफिनाइल्स कब कब ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं वो ध्यान रखेंगे। बाइफिनाइल्स ध्यान रखना बिना चिराल कार्बन के भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। आगे चलें, चलो कहते हैं जैसे बाइफिनाइल्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते थे जबकि उनके पास चिराल सेंटर नहीं था, तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते थे, ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में, किनके? एलीन के बारे में। इसका फॉर्मूला है अपने पास C3H4, एलीन, A डबल L E N, एलीन।
ऐसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पास में ही क्यूमुलेटेड डाइएंस है, अगर एडजेसेंट कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड लग जाए तो। जो मैं अभी केस बताऊंगा वो सारे मॉलिक्यूल पे वैलिड होगा जिसमें इवेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, 2, 4, 6, 10 ऐसे करके अगर पाई बॉन्ड्स लगातार लगे हों तो। जो मैं अभी रूल बोलूंगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यही रूल चलता रहेगा अपना, ठीक। तो चलो देख लेते हैं, जैसे ये एलियन मॉलिक्यूल है, मैंने थोड़ा सा इनका दिखाया है कि कैसे इनके जो पाई बॉन्ड्स है वो बनते कैसे। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और एक पाई बॉन्ड इसके बीच में होता है। तो वो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, मान लिया इससे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें गया है ph और pz, तो बचा क्या अपने पास py, वो py गया होगा तो सामने वाले का भी py लेकर के पाई बॉन्ड बना देगा। अच्छा, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन में ph और pz आया है तो इस मॉलिक्यूल के अबाउट जो प्लेन होगा ना वो xz प्लेन होगा। ऐसे सामने वाले ने अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 sigma 0 lone pair तो sp हो जाएगा, sp में से कुछ ना कुछ तो p उसने अपने में यूज किया होगा, मान लिया उसने px यूज किया है, तो py तो चला गया इधर पाई बॉन्ड बनाने, x चला गया उसके हाइब्रिडाइजेशन में, तो बचा क्या अपने पास pz। अगर इसने अपना pz यूज किया तो सामने वाले का भी pz क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड बनाने चला जाएगा। अच्छा, अगर सामने वाले का pz चला गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो बचा क्या अपने पास, उस कार्बन का बचा px और py, और वो बिल्कुल फिक्स है कि उसको यही हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा है क्या? हाँ, अगर ऐसा है तो सोचो जो हमारे पास स्टार्टिंग में प्लेन था xz, जैसे जैसे तुम आगे गए तो प्लेन कैसा हो गया xy। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जैसे बाइफिनाइट प्लेनर होते थे लेकिन कुछ स्पेशल केसेस की वजह से वो कैसे हो गए थे नॉन प्लेनर, ऐसे ही एलीन एलीन मॉलिक्यूल कभी भी चाहे जैसा लिखा हो कभी ये प्लेनर नहीं होते, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अगर सेम प्लेन में होता ना तो सब जगह पे एक्सजेड प्लेन जैसा, लेकिन जब तुम यहां से गए एक्सजेड प्लेन था, बाद में वहां पे एक्स वाई प्लेन हो गया, मतलब ये प्लेन सेम नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर। कौन? एलीन मॉलिक्यूल। एलीन मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होते, एलीन मॉलिक्यूल होते हैं नॉन प्लेनर। कैसे होते हैं ये? नॉन प्लेनर, इसीलिए तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है। अब कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी यहां पे पॉसिबल है जल्दी से देख लेते हैं। नॉन प्लेनर है, अगर यहां पे सिमेट्री नहीं मिला किसी केस में तो ये मॉलिक्यूल होने लगेगा ऑप्टिकली एक्टिव, अगर इसके पास कोई सिमेट्री नहीं आया तो। एक बार हम लोग रफली देख लेते हैं कि ये एलीन मॉलिक्यूल दिखते कैसे। अभी जो मैं बनाने चल रहा, जो ये सारे ये दोनों एच इसी बॉन्ड के प्लेन में है, आगे चले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, वो भी इसी प्लेन में है, इसका ये वाला कार्बन भी इसी प्लेन में, लेकिन जो इसके पास हाइड्रोजन लगे होते हैं ना वो इस प्लेन के बाहर और इस प्लेन के अंदर, ऐसे। मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता, अगर ये सारे के सारे एक प्लेन में है तो वो दोनों हाइड्रोजन ना एक हाइड्रोजन बाहर निकला होगा और एक हाइड्रोजन अंदर जा रहा होगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे है। अच्छा, तो कोई पूछे ये प्लेनर तो है नहीं, ये पक्का है ये नॉन प्लेनर है, इसमें सिमेट्री? हाँ, अगर तुम इस प्लेन के अबाउट कट करोगे तो ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन सिमेट्री होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर हम सोचो यहां से H, यहां H ही रहने दें और यहां पे लगाते ब्रोमीन, अब क्या होगा, जब हम प्लेन से कट करेंगे तो ऊपर H मिलेगा नीचे ब्रोमीन, तो सिमेट्री नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे जो दोनों H है, अगर तुम ऊपर वाले प्लेन जैसे ऊपर H है और नीचे ब्रोमीन है उसके अबाउट एक प्लेन लेकर कट कर दोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, तुम्हें सिमेट्री दिख जाएगा, ये H और ये H कैसे हो जाएंगे सिमेट्री, तो सिमेट्री मिल जाएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो कभी भी अगर हमारे पास डायरेक्ट डबल बॉन्ड लगे हुए हैं किसी मॉलिक्यूल में, बार बार ऐसे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो टर्मिनल के जो एंड है अगर वहां पे दोनों ग्रुप अलग है, यहां पर भी दोनों ग्रुप अगर हम अलग कर दें, जैसे यहां पे हम एच हटा करके चलो लगा देते हैं ब्रोमीन, अब जब तुम इस प्लेन से कट करोगे तो वहां सिमेट्री नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर एच होगा नीचे ब्रोमीन होगा, और अगर जब तुम ऊपर और नीचे ब्रोमीन को एक प्लेन मान करके कट करोगे तो तब भी सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि ऊपर एच नीचे ब्रोमीन होगा। तो अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो और टर्मिनल पे जो कार्बन है उसके पास दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाए वहां पर भी यहां पर भी, तो ये पूरे मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं होता, और कोई सिमेट्री नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होने लगेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव एलीन कब हो सकते हैं, एलीन नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव, एलीन डेरिवेटिव, जैसे बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता था, बाइफिनाइल्स के डेरिवेटिव, तो एलीन कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, ध्यान रखें डबली बॉन्डेड कार्बन जो हमारे पास टर्मिनल है अगर उनके पास दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाए तो एलीन हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है। अगर यहां दोनों ग्रुप अलग हो जाए, यहां दोनों ग्रुप अलग हो जाए तो मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि वहां अलग हो गया यहां अलग नहीं हो तो तब नहीं काम चलेगा, हमारे यहाँ
दोनों ही पास, यहाँ पर भी वहां पर भी दोनों ही ग्रुप कैसे होने चाहिए आ रहा है। चलो जैसे अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया यहाँ पे H और F, यहाँ पर H और F, अब देखने में ऐसा लगेगा जैसे सिमेट्री लग रहा होगा कि हम हाथ से कट करके सिमेट्री देख सकते हैं, नहीं वो हाइड्रोजन इस प्लेन में है नहीं, वो हाइड्रोजन प्लेन के बाहर जा रहा है, ये वाला फ्लोरीन प्लेन के अंदर जा रहा है, इसमें सिमेट्री नहीं है। जब बस इतना देखो कि अगर हमारे पास टर्मिनल में इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप अलग, इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप अलग है, पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा एलीन डेरिवेटिव ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो ध्यान रखें बाइफिनाइल और एलीन के ये केसेस, कैसे बाइफिनाइल और एलीन मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं हम लोग आराम से ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।